आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र बिना किसी अहम मुद्दे पर चर्चा किए कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 12 बैठकें होनी हैं, जिसमें 38 विधायक पेश किए जाने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिसमें महंगाई, आंतरिक सुरक्षा, महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि बिल पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय है। बीजेपी और शिवसेना बिल के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और लेफ्ट ने बिल को राज्यों के अधिकार में दखल माना है। जेडीयू बिल पर नर्म है, तो वहीं बीएसपी चाहती है कि बिल अहम सहमति से बने। खैर, बिल पर पार्टी का चाहे जो रुख हो, लेकिन गृह मंत्री ने बिल को इसी सत्र में पास करने की बात कही। Well, it will be our effort to evolve a broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance to our country. हम जरूर सहमति बनाएंगे और ये बिल इसी सेशन में हम लाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा जल्दबाजी में फैसला न करें, लेटर लिखिए। वो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। फिलहाल बिल को गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा है। न्यूज़ पॉइंट।